आमिर खान की फिल्म दंगल ने चीन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हां, 300 करोड़, और अब फिल्म की कुल कमाई 1000 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। दंगल चीन में सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। वहीं काफी उम्मीद है कि दंगल चीन में भारत से ज्यादा कमाई 387 करोड़ कर लेगी। कहीं ना कहीं आमिर खान की इस फिल्म ने सलमान खान की ट्यूबलाइट के लिए नया टारगेट खड़ा कर दिया है। ट्यूबलाइट ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। यूं तो जब सलमान की फिल्म आती है तो साल की टॉप फिल्मों में ही शामिल होती है, लेकिन इस बार बाहुबली 2 और दंगल ने कॉम्पिटिशन कठिन कर रखा है। बता दे, ट्यूबलाइट पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म होगी जो चीन और भारत में एक साथ रिलीज होने वाली है। इससे पहले बॉलीवुड फिल्में थ्री इडियट्स, पीक, बाहुबली भी चीन के रिलीज की गई थी, लेकिन भारत के रिलीज होने के 6-8 महीने के रिलीज होने के बाद। खैर, रिकॉर्ड्स की बात करें तो बता कि सलमान ने सामने फिलहाल काफी बड़े बड़े आंकड़े हैं जिसे उन्हें पार करना है। आमिर खान की दंगल हो, शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर या हो बाहुबली 2, सलमान को तोड़ने होंगे ये सारे रिकॉर्ड्स ताकि वे बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक बन सके। बॉलीवुड में सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर ने ओपनिंग डे पर 44.97 करोड़ की कमाई की थी। आमिर खान की दंगल बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है। वहीं बाहुबली 2 सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इसे सलमान शायद ही पार कर पाए। सलमान खान के रिकॉर्ड को कोई तोड़ सकता है तो वह है खुद सलमान खान। सुल्तान ने ओपनिंग पर 183 करोड़ की कमाई की थी, लिहाजा ट्यूबलाइट को इससे ज्यादा ही करनी है। यहाँ भी मामला सलमान वर्सेस सलमान का ही है। सुल्तान ने ओपनिंग वीक पर 208 करोड़ की कमाई की थी, लिहाजा कोई इस आंकड़े को पीछे कर सकता है तो वह ट्यूबलाइट ही है। बॉलीवुड फिल्म की बात करें तो दंगल 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत कर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सलमान इस क्लब में एंट्री ले पाएंगे। To watch more such videos, please subscribe to our channel now.